तो दोस्तों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यस बैंक। बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बैक टू बैक आ रही हैं और यस बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक अभी जस्ट ट्रेंड में आया था। जब देखिएगा कोई भी स्टॉक ट्रेंड में आता है तो न्यूज़ का रिएक्शन बहुत तेज़ी से देखने मिलता है। विद इन 5 days में स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए, अनएक्सपेक्टेड अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। पॉजिटिव क्लूज भी हैं जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉजिटिव क्लूज क्या हैं कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, पहली तो चीज़ ये है। और सेकेंड चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि रिकवरी के लिए बैड बैंक्स की जो ये बात चल रही है, ये जो बात इनिशिएट हुई है जिसपे एक गारंटी स्कीम ले आई गई है और इन्वेस्टमेंट का भी प्लान है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा ऐसे ही बैंकों को जिनके NPA ज़्यादा हैं। चूँकि आपको पता है कि SBI ने रेस्क्यू करा है येस बैंक का और SBI एक बहुत ही लीडिंग PSU बैंक है, तो सीधा सीधा बेनिफिट आपको येस बैंक में भी देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा NPA इनकी रिकवरी होती है उतना ही बेनिफिट है। साथ ही साथ और पॉजिटिव क्लूज क्या है कि टेलीकॉम को रिलीफ मिल गया है, तो एटलीस्ट जो इनके बैड बैंक बिल्कुल बैड लोन्स होने वाले थे वो कम से कम टल गए हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन बनती है। अब रिलीफ मेजर के बाद अगर वोडाफोन आइडिया अपने आप को सर्वाइव कर ले जाता है या फिर समथिंग कोई भी सिनेरियो देखने को मिलता है तो इन बैंकों के लिए पॉजिटिव अपडेट है। तो अब बात करेंगे रियलिटी की, रियलिटी में चल क्या रहा है कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी कल की बात है कि इतना बढ़िया मोमेंटम आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, बट यहाँ पर 10% की प्रॉफिट बुकिंग अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम में कैसे आ गई, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक ने देखिएगा एक बढ़िया हाई बनाया 1450 का, फिर 1460 का, उसके बाद आपको लो देखने को मिला 1295 का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि पूरे 5 दिनों में इन्होंने कम से कम 27-30% के रिटर्न बना के दिए, 27-3% के रिटर्न। तो ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, जो हमने अभी इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद अब यस बैंक यहाँ पे एक इनिशिएटिव ले सकता है और आपको 27 सितंबर तक यानी 27 सितंबर तक कोई बड़ी हलचल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर कई बड़े आउटकम्स आने हैं जो इस समय मैटर चल रहा है येस बैंक के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर स्टडी कहाँ से करते हैं, तो टिकर टिप वेबसाइट से आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल रही है, जैसा कि आपको सामने आ चुका है कि येस बैंक देखिएगा अभी डिश टीवी के जो पर्टिकुलर इशू में है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और इस इन्वॉल्वमेंट के कारण ही यहाँ पर इनको पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अगर मगर हैं। अगर चीज़ें जिस तरीके से येस बैंक सोच रहे हैं वैसी नहीं निकली तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में भी आ सकती हैं। अब ये पूरा मैटर क्या है ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो येस बैंक में कंसीडर लीडर रिकोर्स इन डिश टीवी इशू। तो देखिएगा डिश टीवी के साथ इशू क्या चल रहा है इनका, देखिएगा कई सारे प्राइवेट बैंक्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और डिश टीवी में देखिएगा जो येस बैंक के अकॉर्डिंग जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि यहाँ पर ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक में लुक अ लीगल रिकोर्स If attempt to remove directors from the board of Dish TV and appoint new one is unsuccessful. तो ये पूरी तरीके से चाहते हैं बोर्ड मीटिंग में जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है उनको रिमूव करा जाए, और रिमूव करा जाए अगर वो अनसक्सेसफुल रहता है तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि यहाँ पर ये कोर्ट भी जा सकते हैं और लीगल एक तरीके से कह सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोर्ड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लोगों से यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी हिडन फैक्ट है, यानी कि बहुत सारे हिडन फैक्ट हैं जिसमें कौन सही है कौन गलत है ये समझ में नहीं आ रहा है कि येस बैंक यहाँ पर क्या करना चाहता है और डिश टीवी ऐसा कर क्यों नहीं रहा है। द बैंक इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द डिश टीवी। तो देखिएगा ओवर 25% इक्विटी इज कीन एंड अंडर स्टैंडिंग द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी एंड द मेजर टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पर येस बैंक को इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि देखिएगा ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और यहाँ पर अगर आपको पता है कि डिश टीवी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बेटर इंप्रूवमेंट देता है, तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर इनका मानना ये है कि डिश टीवी के कॉरपोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज चल रहे हैं और डायरेक्टर
इनके अच्छे नहीं हैं, और जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक इसमें बेटरमेंट नहीं देखने को मिल सकता। इस तरीके से समझिएगा कि एक कंपनी जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसके आप मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, और आप देख रहे हैं कि कंपनी केवल 2-3 सदस्यों की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, या फिर मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मुझे वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो मैं उसको हटाने की कवायद कर रहा हूँ। तो यस बैंक यहाँ पर यही चीज़ में लगा हुआ है, और अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो यस बैंक में अचानक से जंप देखने को मिलेगा आपको। इस चीज को भी समझना है आपको कि स्पेकुलेशन है ये पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से जो अपडेट है यहाँ पे किसी की जीत किसी की हार, यानी कि देखिएगा जीत हुई है यस बैंक की तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, और एक तरीके से अगर डिस टीवी ने डायरेक्टर्स नहीं बदले तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको स्टॉक में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, चूंकि बहुत बढ़िया मोमेंटम के बाद स्टॉक ने 1.5-2 रुपए की गिरावट दिखाई है। यहाँ पर देखिएगा जो येस बैंक का जो मूव है, द बैंक इज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट द इशू एंड वांट्स टू ब्रिंग अ न्यू बोर्ड, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से बोर्ड को चेंज करना चाहते हैं। अब ये इनके पर्सनल कुछ इशू भी हो सकते हैं या फिर समथिंग कुछ और भी इशू हो सकते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे हिडन फैक्ट हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करा गया, जो यानी कि जो पर्टिकुलर हिडन फैक्ट्स हैं जो डिस्क्लोजर करना चाहिए था फाइनेंशियल ऑडिट के थ्रू, तो वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता गया है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि बात करी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी डिस्क्लोजर नहीं आया है किसी भी तरीके का, अभी तक ये पूरी श्योरिटी नहीं हुई है कि ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये चाहते क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट करा है डिस टीवी ने वो पर्टिकुलर कहाँ पे किया है उसके पूरे फैक्ट्स इनको नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि पूरा तरीके से ईमेल भी किया गया था, बट अभी तक यहाँ पर एग्जैक्टली इनको पता नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको देख के चलनी है कि कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मूव आना है वो आना है 27 सितंबर को, यानी कि सितंबर में बहुत ही बढ़िया AGM होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है डिस टीवी की। तो यहाँ पर कई सारे इश्यूज उठाए जा सकते हैं। पहला इशू क्या हो सकता है कि देखिएगा अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, और अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू डायरेक्टर, तो ये इशू यहाँ पर उठ सकते हैं बोर्ड्स में। और अगर ऐसा हो जाता है, न्यू डायरेक्टर आ जाते हैं, तो यस बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट होगी, और नहीं आता है तो आपको पता है कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अभी अगर मगर बना हुआ है, जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि यस बैंक इस पर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया, बैक टू बैक आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। बट अगर आप बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर स्टॉक के लिए 12.60 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है, जो बेस सपोर्ट है स्टॉक के लिए, इसके नीचे नहीं जाता है तो वेल एंड गुड है, और ऊपर के लिए देखिएगा 14, 18, 15, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, तो तुरंत आपको देखिएगा स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, उनको वेट करना है, यहाँ पे केवल ट्रेडर्स की बात हो रही है। और अभी भी वॉल्यूम बहुत अच्छे बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बैक टू बैक। तो इसीलिए कहते हैं कि यस बैंक पे थोड़ा सा आपको नज़र बना के रखना है कि किस तरीके का मोमेंटम इसमें आता है, फिर कौन सी अपडेट आती है। तो हर एक अपडेट को हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।